दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। 9 साल में कितना बदला है देश, 9 साल में क्या क्या चीजें बदलती हुई नजर आई हैं ललितपुर जिले के अंदर। हम चर्चा कर रहे हैं बंदरगुड़ा में, जिसको लेके आवाज उठाई जा रही है कि अब इसको सुंदरगढ़ कर दिया जाए। और जो भोपाल से सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा जी, वो बंदरगुड़ा आई हुई हैं, ललितपुर आई हुई हैं, और उन्होंने यह बात कही है कि बंदरगुड़ा क्या नाम है, सुंदरगुड़ा कर दिया जाए। सुंदरगुड़ा की चर्चा हम कर रहे हैं और सुंदरगुड़ा पर अभी अब चर्चा की जाएगी, बंदरगुड़ा नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले 9 साल में कितना बदला है ललितपुर, क्या नाम सर? अमित तिवारी। अमित जी, ललितपुर कितना बदला है? अमृतकाल मना रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 9 वर्ष रहे हैं, अगर आप तुलना करें तो कहीं भी जहां भी सड़कों का जाल बिछ गया है चारों तरफ, और विकास की एक नया आयाम यहां जनता ने देखा है। ललितपुर में आप स्वयं देखेंगे सौरभ जी की, ललितपुर में आप कभी मेहरौनी रोड जाइए तो खितवास के उस तरफ जो सड़क थी वो शासन सपा शासन में पड़ी हुई थी, और इस तरफ की रोड भाजपा शासन। वह रोड स्वयं बयान कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में क्या कार हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी कार्य हुए हैं वो मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। 100 रुपए से ऊपर, क्योंकि सौरभ, अगर आप नवंबर में आम के लिए हमसे कहेंगे कि आम ला दो, तो हम नवंबर में कहाँ से आम ला देंगे, क्योंकि यह किसान की जो फसल है उसका खत्म होने का समय है टमाटर। आप लोग जब कैसी बात है देखना, सत्ता में ठीक है, हम लोग सत्ता में बहुत दिनों नहीं रहे, लेकिन आज राहुल गांधी जी जो प्याज रोटी खा रहे हैं, कई समय सोनिया जी भी प्याज रोटी खाते हैं, हम लोग तो 12 महीने प्याज रोटी खाने वाले हैं। हमारे मोदी जी इतने जो स्तर से ललितपुर में का उपलब्धि है 9 साल में, काट गिना दो। अरे ललितपुर में आप उपलब्धि, एरोडम बन रहा है, और तुम्हारे ये विकास के नए नए आयाम बने हैं। अब ये जाखलोन पंप कैनाल जहां हम खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लगभग 1400 हेक्टेयर में इससे जो सिंचाई होती है, तो ज़्यादा बहुत पहले बन गई बात। नहीं, 70 साल नहीं, ये भाजपा शासन की देन है। माननीय डॉक्टर अरविंद जी हमारे राज्य मंत्री, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, 9 साल में कितना बदल गया? त्रिपल इंजन की सरकार का कोई काम हो तो बता दें। ललितपुर में बहुत विकास है। सबसे पहले अपन यहाँ से आए हैं ललितपुर से, तो देवगढ़ रोड पे रेलवे क्रॉसिंग पे जो ओवरब्रिज बना है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है ललितपुर के लिए। पहले आधा आधा घंटे वहाँ क्रॉसिंग पे जाम लगता था। इसके बाद यहाँ चलें अपना एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट मतलब ललितपुर के लिए सपना था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ललितपुर में एयरपोर्ट बनेगा। सागर में एयरपोर्ट नहीं है, झांसी में नहीं है, और ललितपुर में बन रहा है, तो इससे ललितपुर में बहुत विकास काम चालू होगा। जमीन एक्वायर हो चुकी है, लगभग 99% से अधिक जमीन एक्वायर हो चुकी है, और जब जमीन एक्वायर हो गई है, युवा नेता हमारे साथ है, युवा नेताओं से बात करेंगे, कैसा देख रहा है ललितपुर को बदलते हुए? देखिएगा, बदलना एक प्रकृति का नियम है। मैं भी बदला हूँ पिछले 40 साल में, 40 साल का हो गया, आप भी पिछले 40 साल में बदले हैं। ये बदलाव कोई गिनाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो स्वतः चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये भाजपा सरकार ने यहाँ पंप कैनाल बनाई, अगर आप कांग्रेस की योजनाएं गिनाने चालू कर दें तो शायद पूरा दिन खत्म हो जाएगा, और योजनाएं जो है वो खत्म नहीं होंगी। तो ये मतलब थोड़ा सा सोच का फर्क है। नहीं, हम ये कह रहे हैं आप युवा हैं, आप किसी पार्टी विशेष पर फोकस ना करते, ये बताएं कि ललितपुर में मौजूदा समय कौन कौन से बड़े परिवर्तन देख, क्योंकि आप बाहर बहुत घूमे हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी सिटियों में गए हैं, तो क्या परिवर्तन ललितपुर में देखने को मिला? विकास, जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ललितपुर में विकास हो रहा है, ललितपुर में ओवरब्रिज बनाइए, ललितपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ब्याने नाले का पुल बना, जिसकी मांग पिछले 30-35 सालों से चली आ रही थी, ये ललितपुर के लिए उपलब्धि है। लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं से अपन वंचित हैं ललितपुरवासी, लाइट आज भी आती नहीं है, आज भी ललितपुर की आप सड़कें देखें खराब हालत में हैं, आज भी आप देखें नलों में पानी आता नहीं है, तो ये मूलभूत सुविधाएँ हैं, इन पे तो काम होना ही चाहिए, और हो चुका है संसार में हर जगह। इंडिया जिस तरह से, भारत अपना आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, संसार की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम लगभग 6.5% की ग्रोथ रेट है हमारी, इसके बावजूद भी हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज भी हमारे यहाँ गरीबी बिल्कुल पैर पसारे हुए है, आज भी हमारे यहाँ बच्चे शिक्षा से दूर हैं, आज भी हमारे यहाँ रोजगार का टोटा है, तो ये मूलभूत सुविधाएँ हैं। अगर हम अपनी वाहवाही लूटने की जगह, अपना प्रचार खुद करने की जगह, प्रचार प्रसार पर करोड़ों अरबों बहाने की जगह, वो पैसा अगर गरीबों के विकास में खर्च किया जाए तो मुझे लगता है कि विकास और तेज़ी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरद जी क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ललितपुर में विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है,
और पिछली सरकारों ने भी जितना बना किया है, लेकिन जो धरातल पर अभी जो काम हुए हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं, जो सच्चाई है, मतलब जो धरातल पर दिखना चाहिए कि पब्लिक की नज़र में है कि ये काम हो रहा है। इसके बाद जो भाजपा की गवर्नमेंट बनी है वो किस आधार पर बनी है आप भी जानते हैं। इन्होंने कहा था कि हम गाय गंगा गायत्री को बचाएंगे, नहीं तो नदियों से बोला था कि नदियों से हम जाल बनाएंगे, किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं सिंचाई की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में देखिए, हम लोग गौ सेवा से जुड़े हुए हैं तो हम लोग सिर्फ गौ सेवा की बात करते हैं। अभी वर्तमान में यह स्थिति है, भारत बीफ के मामले में नंबर वन बता रहे हैं, अभी भटक गई बीजेपी पर, भटक गई बीजेपी। इस पर क्यों नहीं बोलने को तैयार है? अगर गाय के गाय गंगा गायत्री के नाम पे आपकी गवर्नमेंट बनी है तो आप बीफ को इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं कोई नेता बोलता है भाजपा का? और वर्तमान में स्थिति यह है कि यहाँ कर जितने भी नेता हैं, नेता नाम के उनके जितने प्रतिनिधि हैं वो दाल छान रहे हैं। वर्तमान में स्थिति यह है, जहाँ पर मंत्री जी की खुद जाते हैं उनकी वहाँ जाने की आप स्थिति देख लीजिए। खिरका में अपने विधायक जी का वहाँ पर वो है, वर्तमान में जो कार्य है, जो राज्य की और केंद्र की योजना है उनका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है पब्लिक के लिए। इसके अलावा ये वर्तमान में खुद इन्होंने जी कोई काम कराया हो पास की, हमने ये काम कराया है, बाकी जो राज्य की और केंद्र की योजना है वो जनता तक सीधे पहुँच रही है। इसके बाद आप महंगाई पर भी आ जाएँ तो महंगाई तो ऐसी है कि चरम पर है, ये तो किसी से छुपा नहीं हुआ है। और यहाँ का जैसे बोला है कि यहाँ पर आपने नाम का बोला है तो वो हम पहली बार यहाँ आए हैं, जो बंदरगोड़ा नाम है आप वो सही कह रहे हैं कि यहाँ का नाम सुंदरगोड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे शरद जी ने, हमारे नतीजे साहब ने बहुत कुछ बता दिया आपकी, क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है। भाजपा के लोग तो कहेंगे कि विकास हुआ है, पर जिस रोड पर आप ललितपुर से जाखलों तक आए हैं, जे हमारे माननीय अखिलेश जी की ही वो है, एक बार आए थे जब देवगढ़ आए थे वो, तो उस समय बहुत गड्ढे थे उसमें, तो उस समय उन्होंने 4 या 5 रोड सेंक्शन कराई थी, अभी राजघाट वाली और ये ललितपुर वाली। तो हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जो मूलभूत समस्या है ये तो बिजली है। आपने ललितपुर शहर में देखा, गाँव में लोग कहते 24 घंटे 18 घंटे बिजली आ रही, मुश्किल से 8 घंटे बिजली आ रही है आपके यहाँ। दूसरी समस्या बेरोजगारी और महंगाई, पलायन लगातार हो रहा है, मजदूर जा रहे हैं बाहर के, तो बस तो हम कैसे मानेंगे भाई कि आपके कि यहाँ विकास करा रहे, तो क्यों यहाँ का आदमी बाहर काम करने जा रहा है? खाना खाने तो जा रहे हैं आजकल, बड़े घूमने की समस्या उठा नहीं पा रहे। अब वो भाई बीजेपी वाले जाने, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। बीजेपी वाले खामोश का है राजा साहब, क्या बात है? रोड बनेगा आपको, ननौरा के रोड का टेंडर हो गया है, और बरसात के बाद साल उसका कारण टेंडर हो रहा है। इतनी स्लो प्रधानमंत्री 24 घंटा काम कर रहे हैं, आपके योगी जी 24 घंटा प्रक्रिया है उसमें, और विधायक मंत्री की तो कहने का हर पंगत में उपस्थित। नहीं, रोड का काम लगना है और सैंक्शन भी हो गया है, बरसात की वजह से, चूंकि डामर का काम बरसात में हो नहीं सकता है। और बीजेपी के जमाने में समय में एक खासियत ये है कि शिलान्यास भी बीजेपी करती है और उद्घाटन और लोकार्पण तो सांसद की भाषा बोल रहे अनुराग शर्मा की, उद्घाटन कर ही नहीं पाओगे, पहले उद्घाटन होगा रोडन को।